हमीरपुर शहर के साथ लगते लोहारड़ा गांव में करीब एक माह पहले शाम के समय घर आते वक्त गाड़ी से कुचलकर व्यक्ति की मौत होने के मामले में नया मोड़ आया है। लोहारड़ा गांव के मृतक कुलदीप सिंह के परिजनों ने आज उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात करके इसे साजिश करार दिया और मामले की निष्पक्षता से जांच करवाने की भी मांग की। मृतक की पत्नी अंजना कुमारी ने आरोप लगाया कि किसी ने सोची समझी साजिश के चलते पति की हत्या की है, जिसकी पुलिस गहनता से पड़ताल करे। पत्नी अंजना कुमारी ने बताया कि निर्धन परिवार से संबंध रखती है और पति की मौत के बाद मामले में सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में पुलिस निष्पक्षता से काम करे और इंसाफ दिलवाए। अंजना ने बताया कि मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है और जांच नहीं की जा रही है। एक्सीडेंट हो गया है, हमें इंसाफ चाहिए। गाड़ी जी बहुत 1.5 महीना हो गया, कोई नहीं मिला, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। उधर गांव लोहारड़ा में ही लिंक रोड है, वहाँ पे हुआ एक्सीडेंट। तो गाड़ी है उसके पीछे हो उसको, हमें फोन भी आया था, बोला मैं 5 मिनट में घर में आ रहा हूँ। फोन कट गया, फोन होल्ड रह गया उनका, और आवाज आ चीखने की मेरा एक्सीडेंट है, हो गया मेरा एक्सीडेंट है, आपको ने किया है। साफ साफ उसने ऐसा बोल दिया, और उस वो क्यों और उससे बात ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए बोल उससे ज्यादा। उसके बाद उसका गाड़ी में उसका ड्राइवर बैठा हुआ था, उसने जब उसकी ज्वाला जी के पास पहुंचे तो उस गाड़ी में बैठा हुआ एम्बुलेंस में बैठा हुआ था ड्राइवर उनका, वो जब डेथ हुई तो वो वहां से उतरा और बलेरो गाड़ी में बैठ गया। वहीं पंचायत वार्ड सदस्य पूजा ने कहा कि 1 महीने से चले हुए केस में पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मामले में कार्रवाई अमल में लाकर आरोपियों को पकड़ा जाए। मैं वार्ड पंच लोहारड़ा, नाम पूजा देवी, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि इस केस को लगभग महीना हो गया और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पहले तो हम SI के पास गए, उन्होंने कोई भी छानबीन नहीं की और बोलते हैं कि कोई नहीं, आपके साथ हम हैं। और इसके बाद कर्म के बाद वो लास्ट टाइम आए थे, वो हमारे ससुर जी से इंक्वायरी वो पूछ के चले गए और उन्होंने उसके बाद कोई भी कदम नहीं उठाया। हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। आज हम DC साहब के पास आए थे, वो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को मार कर दिया है और उसकी तहकीकात होने को जारी कर दी है और हम ऐसा चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, इसी बात के लिए धन्यवाद। बस वही मृतक कुलदीप की बहन ने बताया कि रास्ते में आते हुए कुलदीप को कुचला गया था, लेकिन बाद में मामले को दुर्घटना का नाम दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी गांव के लोगों ने साजिश के चलते कुलदीप को मौत के घाट उतारा है, लेकिन फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं अनीता कुमारी, कुलदीप सिंह जो कि मारा गया है, जिसका कि मर्डर हुआ है, वो मेरा भाई था। तो उनको जो है वो रास्ते में चले हुए थे, काम से आ रहे थे, उनको रास्ते में कुचल दिया गया और घर को फोन किसी बच्चे के फोन से करवा दिया गया कि वो जो एक बहुत बड़ी नाले से गिर गए हैं या किसी चोटी से गिर गए हैं, जबकि वहां पे सराउंडिंग में कोई भी चोटी नहीं पाई गई। और उन्होंने मारा भी तो मतलब 100% श्योर है कि हैप्पी ने उसको मारा है। जब मैं मतलब अपने मामा जी के घर जा रही थी तो मुझे रास्ते में वही लड़का मिला और मैंने उसको खुद बोलते हुए सुना, उसकी खुद की स्टेटमेंट थी कि हमने मार दिए तो मार दिया, हमारे ऊपर 15 केस तो चल रहे हैं, पर अगर और भी एक अन्य चल पड़ेगा तो मैं तो यही मतलब इस तह तक पहुंची कि तो उसने बोला कि 15 चल रहे हैं तो एक और भी चला तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा कोई, तो उसको डर नहीं है। बाकी पड़ोसियों को भी इससे डर बना रहेगा। अगर क्रिमिनल ऐसे ही खुले शरेआम घूमता रहेगा तो फिर जो हिंदुस्तान का कानून है तो वो तो फिर कुछ भी नहीं है। हमें यही है कि न्याय मिलना चाहिए। और कुलदीप सिंह की 2 बच्चियां हैं और 1 बेटा है, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, शादी का खर्चा, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, बिल्कुल बुजुर्ग हैं, और एक इकलौता सहारा था वो अपने माँ बाप का, ना कोई भाई ना कोई बहन। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, जब से एक्सीडेंट किया गया है, एक्सीडेंट हुआ नहीं है, किया गया है जानबूझ के, तब से एक्सीडेंट किया गया और लास्ट में जब तक उसने प्राण छोड़े तब तक वो साथ में जासूसी के तौर पर साथ में रहे, और उसके बाद जब उनको पता लग गया कि डेथ हो गई है, अब हमारे खिलाफ कोई बयान नहीं दे सकता, तो वो उतर गए और अपनी बलेरो गाड़ी में बैठ गए।
तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि 100% श्योर है कि हैप्पी ने उसका मर्डर किया हुआ है, तो उसको क्रिमिनल को पकड़ा जाए और जो इसके घर वाले हैं इनको कोई गवर्नमेंट सहायता मिल जाए, जैसा कि बन पाएगा गवर्नमेंट से, तो अन्य मतलब जो दूसरे बिगड़े हुए लोग हैं उनको भी इससे मतलब सबक मिले, उनको भी खतरा बना हुआ है, अगर कोई दूसरा बोलता है तो उनको भी धमकियां देते हैं, और गांव के आदमी हैं, साथ ही में घर हैं, तो रास्ते में चलना फिरना तो होता ही रहता है, तो दूसरों को, दूसरे परिवार के जो फैमिली मेंबर हैं उनको भी धमकियां देते हैं। मेरा नाम ममता है और मैं गांव लोहारड़ा से हूँ। मेरे डैडी का एक्सीडेंट हुआ है और हमने अपने डैडी को कॉल किया था और उन्होंने बोला कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और उनका फोन होल्ड ही रह गया था ना, और उसके बाद चीखने की आवाज़ आई कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। हम उनको ढूंढने गए तो वहाँ पे बलेरो गाड़ी खड़ी थी और उसमें उनको डाला जा रहा था। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने उनकी ठीक ढंग से उनको इलाज नहीं किया और रेफर केस कर दिया, बोले इनको रेफर कर देना टांडा। और जब हम रेफर कर दिया तो एम्बुलेंस सरकारी ने गई, उन प्राइवेट की जिन्होंने एक्सीडेंट किया है। हैप्पी ने सरकारी एम्बुलेंस करने के बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस की। और उसके बाद जब हम ज्वाला जी के पास पहुंचे तो मतलब एम्बुलेंस गाड़ी में उन्होंने अपना एक जासूस ड्राइवर बिठाया हुआ था, तो जब डैडी की डेथ हो गई कांगड़ा के पास, तो वो ड्राइवर उतरा और उनकी गाड़ी में बैठ गया जो उनके साथ हमारे एम्बुलेंस के साथ चली थी पीछे, और उसमें बैठ गया जब हमारे डैडी के। तो हम चाहते हैं कि मतलब हाँ, हमारे डैडी का खून सरेआम घूम रहा है, हमें न्याय चाहिए। आज 1.5 महीना हो गया, आज कोई भी सुन नहीं रहा है, हमारी पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं की हमारे केस की, एसआई को हम, और हम चाहते हैं कि हमारा जो केस का एसआई है वो चेंज किया जाए, और उसने कोई सुनवाई नहीं की और इतने बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। मैं जिस वे पूछे उस वेले एम्बुलेंस तैयार थे प्राइवेट, और मैं समझे सरकारी है। ज्वाले तक अगे पहुंचे तो मैं गलाया भाई ऑक्सीजन लाई दिया, उन्होंने पकौड़ा ड्राइवर एक बिच बैठे रहा, उन्हें बिठा लिया। अच्छा जिस वे वो कहते नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, और नींद आई है इसको, मैं कह नींद नहीं आई है इसको, ऑक्सीजन लगा दो और ग्लूकोज लगा दो, उसने इनकार ही किया। और जब लड़के की डेथ हो गई तो उसमें से उतरा और बलेरो में बैठ गया। उसके बाद बोला भाई, मेरे भतीजे ने पूछा तो कहता हूँ 15 दिन तो पहले रहते हैं और एक दिन और बढ़ जाएगा हमारा, वो तो लापरवाह घूम रहे हैं। हम करते हैं, इंसाफ मिलना चाहिए हमें।